दवा मंगना आया चार पांच छे नौ नौ एक साल का फर्क रख दी दस ग्यारह बारह पूरा साल हो गया। मजा आया ना? आने भी मजा आया। क्या कहते हैं बोलो? इसको नहीं आता, ये कितना बड़ा हो गया इसको पता ही नहीं है। अब काशी बताएगा, काशी क्या है इसका नाम? चलो, कल की बारिश हुई है तो उस वजह से आज मौसम बिल्कुल ही क्लियर है, तो क्लियर होने की वजह से आज इधर जम्मू कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे थे, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने सोचा चलो सुबह सुबह एक न्यू चीज़ मिली है तो वीडियो बना लेते हैं। इधर से सही नज़र आएगा, ये इधर से काफ़ी दूर है, इंडिया में है लेकिन हमारे से ही साफ नज़र आती हैं। तीन चार पाँच छः सात सात तक पहुँच गया आस्ता आस्ता, चार पाँच छः नौ नौ एक साल का फर्क रख दी दस ग्यारह बारह पूरा साल हो गया। मज़ा आया ना? आने भी मज़ा आया। जी बच्चा रस्ते मैंने मिले तो अपना पिंड भुल गए थे, तो जाना तू इधर क्यों जाना पे इधर न जा, ओ सीधा जाएंगे ना इधर न, अगे स्कूल आएगा स्कूल के कोलों मुड़ के इधर गली पैक न रस्ते आके इधर चल जाना, ठीक है ना? हूँ घरों बाहर नहीं निकलना, पता बंदा गवा जाए ना भाई फिर लान कराने पैंता है, फिर बिल लगता है। फिर तेरा कि ना ही शाजम की ना ही तेरा जाइम, आहो मेरी वीडियो वेखता बंदा मुंडा है वाला, मजा आंदा ना वीडियो का? हाय गुड हो गया, हूँ जा घर नो मेरा भी हम बारह निकले, ठीक है ना? जुमा पढ़ के तो हूँ चले कब्रस्तान दुआ मंगने तो तुम भी दुआ करो अपने वास्ते भी ते जिले दूसरे फोटो उन्होंने वास्ते भी। दफा भाई समोसा लिया किन्ने लिया ही? तू लिया ही? सही दसो पैसे देने हैं अन्ने? पैसे तो हाले तक नहीं दिते। ओए दवा मंगना आया कब्रस्तान दवा मंगना आ रहा तो की करता पे आ दो मुंडे भी आने शाहद भाई लैके आए ने दाबा गुलाब के फुलों दियाँ मैसर भी कई चुक के वड्डी जी दाब लैके आए ने हूँ अं लाने फर्म या नहीं जनाब उगा फिर ये हमारे पास मैसेज जो के कर रहे हैं बहुत सारी जगह है जो टूट रहा है, ये मैसेज भाई सुहाब काट रहे हैं। लो जी ताशी कर रहा है, गत मार रहा है, पीछे ज्यादातर लागी ने बस थोड़ी सारी रह गई बना लिया हूँ उस साइड ला दी ने सारे अगे तक अद्धन बजा ला दी ने बस दुआ करे हूँ तुर पैन ते मैसेज ला रहे भाई इस साइड से। जुम्मा पढ़ के कब्रस्तान गए से ते फिर दुआ मंगी तो उस बाद फिर ताबा वगैरह लाइया तो हूँ मैं आ गया घर अपर पाया तो हूँ बाहर जाने घड़ी शुक्र मेला लाने मजेदार वीडियो भी बनाने फिर मैंने तुम हूँ बाहर जाके शुक्र मेला लादा हो शिवा फिर आ गया तुम्हारे सामने अज तुम वीडियो वेखी शिवा की कितना तुम्हें मजा आया शिवा आप थोड़ी सूरत पर बोलो जरा मुझसे बात करो शिवा आपके बाल इतने लंबे क्यों रखे हुए हैं ये किसने बोला था लंबे बाल रखने का शिवा जरा बताओ इसके बारे में जो इधर है क्या है ये सामने क्या है उर्दू में बताओ उर्दू में क्या कहते हैं नहीं नहीं उर्दू में छप्पड़ को क्या कहते हैं इसमें क्या करते हैं तो ये जो इधर वो पानी में है ये क्या है क्या? ये जो पानी में फिर रही हैं ये खोती हुई हैं ये क्या है क्या है कौन से वाली चलो इनका नाम बताओ अगर तुम बताओ इसको आता होगा नहीं उसका क्या नाम है इसे क्या कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं
ओए क्या कहते हैं बोलो, इसको नहीं आता, ये कितना बड़ा हो गया इसको पता ही नहीं है। अब काशी बताएगा, काशी क्या है इसका नाम, चलो उनके घर से पूछ के आओ, इनकी है ना वो, उनके घर से पूछ के इनका क्या नाम रखा हुआ है। बोलो क्या हमने वीडियो बनानी है, उस वजह से चेहरे को देखना इबादत है। अगली दफा आपने सुनी होगी, अगली सुनो हदीस की अगले लफ्ज है, या रसूल अल्लाह जो चेहरे को ना देख सके, कहा दूर से देखे जो पुश्ती अली को देख ले उसकी भी इबादत हो गई। अर्ज किया हजरत अबू ज़र गफारी ने, कहा या रसूल अल्लाह जो अली का जमाना ना पाए वो इस इबादत से महरूम रह गए। कभी सुनी है आपने ये हदीस? चूंकि मौलवी ने सुनी मुफ्ती साहब से किसी बड़े आलम से आगे, फरमाया जो अली का जमाना ना पाए, कहा जो अली का जिक्र सुने और खुशी हो देखने वाले से ज्यादा हम इबादत, देखने वाले से ज्यादा हम इबादत। इसलिए कैसे अली का जिक्र ना करें, एक बात तो जेन पर में बिठाए कि ये ऐसी इबादत है जो दरूद शरीफ की तरह हर सूरत कबूल होती है। हर सूरत हदीस मैंने पढ़ी, और आखिरी अर्ज करने लगा हूं कि हजरत अली मुर्तजा, ये इमाम नसाई बुखारी और मुस्लिम, और मुस्लिम ने ये बाबुल ईमान में तीसरी हदीस लाई, हजरत अली रवायत खुद रावी है इस हदीस की। आपने फरमाया सहाबा का जन्म गफीर है, आपने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफा ने मेरे साथ वादा किया कि तुम ये जिंदगी में नहीं बताओगे। एक सहाबी और भी बैठे थे, मैं उसका नाम नहीं कह सकता, हजरत अबू बकर खड़े हो, कहा मैं कहा वादा लिया था, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा लिया था और आपने उसका वादा दिया था। वो वादा क्या था? वो वादा ये था कि मैंने अर्ज किया कि अहले बैत की मोहब्बत, तो मेरे मुस्तफा ने वादा दिया था अली तेरी मोहब्बत सिर्फ मोमिनीन, जिनको ये शिया कहते हैं मोमिनीन, वो अहले ईमान नहीं कहते, आपने सुना है तकरीर, वो कहते हैं मोमिनीन। ये हदीस का लफ्ज है, हमने कहा चूंकि वो कहते हैं हमने ये नहीं कहना, हम वो अल्लाह कहेगा हम कहेंगे, हमने अल्लाह नहीं कहना, रब कहना, ये तो हमारा मैरिट हो गया, ये तो हमारा अकल रह गई है। कहा मोमिनीन वो होगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, ये वादा मेरा किया था। हजरत अबू बकर ने गवाही दी, हां मैं हाजिर था, अगला वादा मैंने मुस्तफा से यह लिया था जो हमारे अहले बैत के खिलाफ हो। सुनने वाली बात है और जेहन में बैठाने वाली बात है, मौलवियों की बातों में ना हो, वो कोई हो, वो पीर हो, मुहद्दिस हो, हवा में उड़ रहा हो, वली अल्लाह ऐसा हो कि मिट्टी को सोना बना रहा हो, अहले बैत की मोहब्बत का मामूली सा शाबा भी दिल में ना लाओ। फरमाया दूसरा वादा ये लिया था कि जो अहले बैत को नुकसान पहुंचाए नफरत करे, फरमाया मुझे मेरे अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा ने कहा था ऐसा बंदा जो हजरे हिजरे अस्वद और मुकामे इब्राहिम के दरमियान सारी उम्र गुजारते अली का बुग्ध रखता हो उसको कुछ कबूल नहीं, जन्नत में जाएगा। ऐसे फिर मेरा आज का व्लॉग, अगर तुम्हें मज़ा आया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, नाले शेयर करो अपने दोस्तों नाल, ते जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी सपोर्ट करोगे, ते अच्छे तो अच्छे व्लॉग देखने मिलेंगे, ते मैं कोशिश करांगा कि मैं और अच्छे तो अच्छे व्लॉग बनावा फनी मज़ेदार जे इंटरटेनमेंट वाले, जिन्होंने वेखे बगैर थोड़ा दिन ना गुजरे करे, ते मिलांगे फिर तुहानू नेक्स्ट नू मज़ेदार से व्लॉग में।